एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के द्वारा गोरखनाथ मंदिर में स्थित पुलिस चौकी के पास से ड्रोन के माध्यम से आसपास के घरों की निगरानी की गई, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पिछले सप्ताह शुक्रवार को हुए प्रयागराज सहित अन्य जिलों में हुई घटनाओं को देखते हुए गोरखनाथ थाना क्षेत्र के चकसा हुसैन नूरी मस्जिद के आसपास के घरों पर पड़े ईटा पत्थर के घरों का फोटो लिया जा रहा है। इन सभी घरों को 149 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जाएगा कि इन सभी ईटा पत्थरों को समय रहते छत पर से हटा लें। उन्होंने कहा, ड्रोन से निगरानी के दौरान कुछ घर चिन्हित हुए हैं जिनके छतों पर ईटा पत्थर थे, आज ही उनको नोटिस दिया जाएगा जिससे कि यह लोग कल तक अपने घरों से ईट पत्थर हटा लें, क्योंकि यह कार्यवाही आगे भी चलती रहेगी। पिछले दिनों 54 लोगों को नोटिस दिया गया था, अब उन घरों से ईटा पत्थर को हटा लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, ये बिल्डिंग के पीछे, ये वाली बड़ी बिल्डिंग के पीछे वो वाली बिल्डिंग है बस। हाँ, ये वाली बिल्डिंग है, उसके उधर उसकी छत से उधर देख रहा है। अच्छा, एक बार रुक लीजिए, आप इधर आ जाएंगे, एक बार तो बोल्ड करिए, बोल्ड करिए, इधर इधर जहाँ पे टावर होता है ना पास में, जनपद गोरखपुर में पिछले सप्ताह प्रदेश में हुए विभिन्न स्थानों पर घटनाओं को देखते हुए तीसरी बार आज फिर से ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। ये गोरखनाथ थाना क्षेत्र के एरिया में चकसा हुसैन नूरी मस्जिद वगैरह इस सब क्षेत्रों के अंदर विभिन्न घरों की छतों पर पड़े ईटा पत्थर वगैरह इन सबका फ़ोटो लिया जा रहा है, एवं इन सभी घरों को 149 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जाएगा, एवं इन ईटा पत्थर को समय रहते हुए इनको हटाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। हाँ, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ में इन घरों को आइडेंटिफाई किया गया है और इन्हीं आइडेंटिफिकेशन के साथ में इनको नोटिस आज ही प्रदान किया जाएगा ताकि कल तक ये सब अपने घरों से ईट पत्थर हटा लें। सर, क्या इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलेगी? ये कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी जब तक के लिए ऑलमोस्ट अपने कंस्ट्रक्शन के निर्माण के अलावा किसी प्रकार का कोई ईंट पत्थर ऊपर रखा हुआ या फिर घर के सामने रखा हुआ हटाना लिया जाए। सभी 54 घरों से ईंटा पत्थर हटा लिए गए हैं, एवं आज की जो कार्रवाई है ये नए तरीके से और बाकी क्षेत्रों में, कोतवाली क्षेत्र था पिछली बार चिन्हित, इस बार गोरखनाथ थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जनपद में पिछली बार भी लोकल इंटेलिजेंस के तहत शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की गई थी, एवं इस बार उससे भी ज़्यादा अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। आज सुबह ही राइड कंट्रोल ड्रिल पुलिस के अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेसी के साथ में राइड ड्रिल कंडक्ट की गई थी पुलिस लाइन में, एवं आज सभी धर्मगुरुओं के साथ एवं
जितने भी मदरसों के और जितने भी टीचर्स हैं उन सबके साथ मीटिंग की गई है, एवं निरोधात्मक रूप में किसी प्रकार के कोई दंगाई, किसी प्रकार के रोड के किनारे पड़े ईंट पत्थर का दुरुपयोग ना करें उसके लिए ड्रोन से सर्वेलेंस। जनपद में हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 13 हॉटस्पॉट हैं, कोतवाली में 15 हॉटस्पॉट्स हैं। इन सब हॉटस्पॉट्स के ऊपर ही ड्रोन सर्वेलेंस से पिछले सप्ताह जनपद में 54 जगहों पे नोटिस दिए गए थे एवं 54 जगहों से आइटम पत्थर खाली करवा लिए गए हैं। इसी मुहिम में ही आज भी ड्रोन उड़ाया जा रहा है।